हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मायास हिंदी। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको केवा हर्बल ब्रांड के रक्त शोधक सिरप के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये सिरप आपके बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होगी। डिटेल में गाइस आज अपन इसका रिव्यू करेंगे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस, डोज, इन सब के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप अपने ब्लड की गंदगी से परेशान हैं, ब्लड की गंदगी को बाहर निकालना चाहते हैं, रक्त को शुद्ध करना चाहते हैं, त्वचा को हेल्थी और चमकदार बनाना चाहते हैं, त्वचा के किल मुहासों को रिमूव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पूरी वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपन बात कर लेते हैं केवा हर्बल ब्रांड के रक्त शोधक सिरप के बारे में, जो कि मार्केट में आपको लिक्विड फॉर्म में मिलती है। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है रक्त शोधक, यानी कि गाइस ये सिरप आपके रक्त को शुद्ध करती है, ब्लड की गंदगी को बाहर निकालेगी। यदि गाइस आपके चेहरे पर कील मुहासे हो रहे हैं और आपके ब्लड के अंदर गंदगी है, तो अगर आप जब तक ब्लड की गंदगी के लिए कुछ नहीं लेंगे तब तक आपके चेहरे से कील मुहासे कभी भी नहीं जा सकते हैं। अगर आप अपने कील मुहासों को जड़ से हटाना चाहते हैं अपने चेहरे से, तो रक्त शोधक सिरप या लिक्विड का इस्तेमाल या टैबलेट का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। मार्केट में आपको बहुत सारी दवाइयां मिलेंगी जो कि रक्त की गंदगी को बाहर निकालती हैं। ये सिरप गाइस बेस्ट है, जो कि गाइस हर्बल इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी है, आपके ब्लड की गंदगी को बाहर निकालेगी, त्वचा को चमकदार बनाएगी। तो देख लेते हैं गाइस कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है। इसके अंदर गाइस इंग्रेडिएंट के रूप में खादेर, सेना, नीम, अनंत मूल और भी गाइस बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं जो कि आपके स्किन को हेल्थी बनाए रखते हैं। मजिष्ठा है, हरिद्रा है, जो कि त्वचा के स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद करेगी। इसके साथ साथ ही गाइस ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने का भी काम करती है और आपके शरीर को हेल्थी बनाए रखने में मदद करेगी। यूज करने का तरीका, यानी कि डोज, आपको सुबह शाम एक एक चम्मच ये सिरप लेनी है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि किस तरीके से सेवन करना है, किस तरीके से नहीं करना, क्योंकि गाइस हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट के बिना आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ना ही आप इसे ओवरडोजेस लें। गाइस यदि आप पहले से किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं या फिर आप पहले से अन्य प्रकार की दवाई या टैबलेट को इस्तेमाल में ले रहे हैं ब्लड की गंदगी को बाहर निकालने के लिए, तो इसे इस्तेमाल में लेने से पहले गाइस आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना होगा। डॉक्टर से कंसल्ट के बिना आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना, ना ही आपको इसे ओवरडोजेस लेना है। प्राइस की बात करें तो गाइस इसका प्राइस कोई फिक्स नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है। 200 ml की पैकेजिंग गाइस आपको 209 रुपए में मिलेगी, जिसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं। जैसा भी दोस्तों आपको सही लगे आप इसे वहां से खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो गाइस आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जहां भी आपको सस्ता अफोर्डेबल मिले आप इसे वहीं से परचेज करें। वैसे तो गाइस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस प्रोडक्ट का लिंक मेंशन कर रखा है, अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके भी इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। याद रखेगा, इस कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक कर लें। कुछ लोग गाइस एक्सपायरी डेट देखे बिना ही प्रोडक्ट को परचेज तो कर लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें साइड इफेक्ट होने लगते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि आपने एक एक्सपायरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है, तो ऑब्वियसली बात है गाइस उसका साइड इफेक्ट तो होना ही होना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ, जो भी प्रोडक्ट परचेज करे तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो अपन को चेक करनी ही करनी है। रक्त को शुद्ध करने की गाइस ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, रक्त शोधक सिरप, जो कि रक्त को शुद्ध करने के साथ साथ त्वचा को चमकदार और हेल्थी स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगी। तो आप इसे इस्तेमाल में लेके जरूर देखें, लेकिन अगर आप गर्भवती हैं, प्रेगनेंसी की अवस्था में हैं, तो इसे इस्तेमाल में लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट आप जरूर करें। सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपका कंफ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइस यदि आपको इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी जाननी चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।